फर्जी नक्सली बनकर लाखों की लूट करने वाले पांच आरोपियों को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने कापसी इलाके के मछली व्यापारी के घर में घुसकर मारपीट की और बंदूक की नोक पर 5 लाख रुपए और साथ ही 2 लाख रुपए के जेवरात भी लूटे थे। आरोपियों के कब्जे से पिस्टल, लूट के जेवर के साथ ही वॉकी चौकी साइड चार्जर, कई बैंकों के एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक, चेकबुक और 3 मोटरसाइकिल पखांजर पुलिस ने जब्त की है। एएसपी जेएन बघेल ने बताया है कि लूट के बाद जब व्यापारी से दोबारा फिरौती मांगी गई तब उसने एफआईआर दर्ज कराई है। मामला दर्ज होने के 2 दिन के भीतर ही फर्जी नक्सली गिरोह के 8 में से 5 आरोपियों को धर दबोचा गया। आरोपियों से कड़ाई के साथ पूछताछ की गई, जिस उन्होंने 3 और जगहों पर लूट की वारदात का खुलासा किया है। 3 और आरोपियों की तलाश में पुलिस छापेमार कार्रवाई कर रही है। मुखबिर की सूचना पे यहाँ स्थानीय 3 लड़के जो संदिग्ध हालत में थे उनको उठाया गया। उन्होंने अपनी वारदात करने की घटना को कबूल किए। उन्होंने बताया कि अमित राय अनी जिसको कहते हैं वो उनका मास्टरमाइंड है।